सो वेल हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गौर फ्रॉम इंदौर SD। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली आमिर खान ने एक अवार्ड शो में कहा है कि दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन इंडिया। उनकी वाइफ का मानना है कि दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन इंडिया। उनका यह कहना है कि इंडिया इज अ इनटॉलरेंट कंट्री। क्या आपको लगता है कि इंडिया इज अ इनटॉलरेंट कंट्री? आपको लगता है कि इन्होंने ये सही स्टेटमेंट दिया है? चलिए पूछते हैं लोगों से उनका क्या मानना है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। रिसेंटली आमिर खान ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा है कि उनकी वाइफ को सिक्योर फील नहीं हो रहा है इंडिया में, और उनका मानना है कि इंडिया इज अ इनटॉलरेंट कंट्री। आपके क्या थॉट्स इस बारे में? इंडिया कैसे इनटॉलरेंट हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि वो एक सुपरस्टार है, उनको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये चीज होती है कि आपकी 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ जा रही है, तो ये इंडिया के पर्सन ही उस चीज को मैनेज कर रहे हैं ना, मतलब वही चीज वही उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है उनको ऐसा मतलब स्टेटमेंट देना चाहिए था कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि आपको पता होगा कि आमिर खान ने ये स्टेटमेंट रखा है कि दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन इंडिया, सो इस बारे में आपका क्या मानना है? मुझे लगता है ये एक बहुत अनथॉट ऑफ स्टेटमेंट है, एंड इस स्टेटमेंट में ज्यादा कोई दम नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग आमिर खान को एक आइकन की तरह देखते हैं, लाइक ही इज ऑलवेज कम अप विद समथिंग गुड। सो दिस रियली पुट्स हिम इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, एंड आई डोंट फील दैट दिस स्टेटमेंट वॉज रियली कॉल्ड फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक देर आर मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर मच मोर अनसेफर देन आर कंट्री। तो आपको क्या लगता है उनको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था कि नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक व्हेन यू आर जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो बहुत से लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आई रियली डोंट थिंक दैट दिस स्टेटमेंट वॉज कॉल्ड फॉर, उन्हें नहीं देना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई फील। इस बारे में आपका क्या मानना है? मेरा ये है कि इनटॉलरेंट तो बिल्कुल नहीं है। आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे वहाँ पे भी यही सिचुएशंस है, और जो कुछ आमिर खान को मिला है वो इंडिया से ही मिला है, जो द आमिर खान जो बने हैं इंडिया से ही बने हैं, तो ये कहना कि इनटॉलरेंट है बिल्कुल नहीं, और सिक्योर तो बिल्कुल है। दूसरी कंट्रीज में भी आप जाएंगे वहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम से डील करने का एक तरीका है, इस तरह से किसी भी इशूज पे इस तरह बोल देना इट्स नॉट राइट। क्या इंडिया इनटॉलरेंट कंट्री सच्ची में है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक पीपल आर सेफ इन इंडिया, एवरी कम्युनिटी, एवरी कास्ट, एवरी इंडिविजुअल, आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट कंट्री टू लिव विद इन एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री यू गो। अबाउट द इंटॉलरेंस इन इंडिया, इंटॉलरेंस इन इंडिया, मैं मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि इंटॉलरेंस इंडिया में कहीं होगा। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस रह रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हम लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेज यूज की जाती है, और हम सब उतने ही सेफ हैं जितने दूसरी कंट्रीज में लोग दूसरों को अपने आप को सेफ समझते हैं, वेदर वो हमारे कास्ट में मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या क्रिश्चियंस हो। आपको क्या लगता है कि उनको ये स्टेटमेंट यूज करना चाहिए था कि नहीं? नहीं, जैसा अभी इनने बताया कि मुझे भी नहीं लगता कि उनने ये स्टेटमेंट यूज किया है। अगर उनने ये स्टेटमेंट यूज किया है, जो ऐसी सेलिब्रिटी है जो इस इंडिया में बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू द उनकी मूवी, थ्रू द उनके जितने भी टेलीविजन पे जैसे सत्यमेव जयते आता है, तो उन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो उनको ये हक नहीं है कि अच्छा कुछ किया है तो गलत कहने का उनको हक है। इंडिया इनटॉलरेंट कंट्री है, आपको लगता है कि इन्होंने सही बात बोली है? जिस किसी शख्स को भी मेरा हिंदुस्तान बुरा लगता है तो बेशक इस गेट आउट, मतलब गेट के बाहर हो जाए वो। ओके, मेरा तो ये घर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है, इसके बावजूद अगर कोई इसको बुरा कहता तो गेट के आउट हो जाए, वो कोई हमारे लिए खान नहीं, जो देश की बुराई करे वो खान हो ही नहीं सकता। इंडिया सुरक्षित नहीं है? हिंदुस्तान जैसा शहर तो कोई इससे अच्छा देश और सुरक्षित देश हो ही नहीं सकता, सभी कौम के लिए, सभी धर्म के लिए, जितनी भी जात रहती है इस शहर में, इस हिंदुस्तान के अंदर, वो सभी सुरक्षित और अच्छी है, और जो ऐसा कहता है वो बेवकूफ है। आपको क्या लगता है इंडिया सच्ची में इनटॉलरेंट कंट्री है? Well, you know, there's a saying in English that when the ship sinks, the rats they run away, right? So it's only the rats who think that they can escape, while people who have a little bit of grit or little bit of determination or love for the country are definitely going to stay here. So I, for myself, I can say I'm going to stay put in India no matter what the case. Ma'am, is baare mein aapko kya manna hai? आमिर खान बींग अ सेंसिबल एक्टर एंड अ सेंसिबल पर्सन, बिकॉज उनकी इमेज सबके सामने आउट ऑफ ऑल द खान्स इन द इंडस्ट्री बहुत अच्छी इमेज है, जो उन्होंने शोज किए लाइक सत्यमेव जयते, इतने अच्छे इश्यूज उठाए, ठीक है उनका कंसर्न जो भी था,
बट देन उन्होंने जैसे बोला कि उनकी वाइफ ने लाइक वी शुड लीव द कंट्री बिकॉज शी इज वरीड अबाउट हर किड्स एंड एवरीथिंग बट एंड देन ही सेड कि आईएसआई शुड नॉट बी आई मीन एसोसिएटेड विद वन रिलीजन इट्स नॉट समथिंग कि आमिर खान को किसने पर्सनली जाके टॉर्चर किया हो या कुछ बोला हो ही सेफ ऑल ऑफ अस वी रिस्पेक्ट हिम ही शुडंट हैव मेड दैट स्टेटमेंट बिकॉज दैट इज समथिंग एंड इंटॉलरेंट होने की बात होती है तो फिर अगर एक दादरी वाले केस पे अगर सब इतना बोल रहे हैं तो जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स को तब इतना टॉर्चर किया गया था वहां पे जिस आई वोंट मेंशन दैट बिकॉज दैट वुड मेक थिंग्स ऑफेंसिव तब किसी ने कुछ नहीं बोला था एंड आई डोंट थिंक दैट इनटॉलरेंस कुछ बढ़ रही है हमारी कंट्री एज आई सेड कि ये चीज हमारी कंट्री के रेपुटेशन को ही रूइन कर रही है आप खुद ही इज सच अ फेमस एक्टर यहाँ पे उनको ये कंट्री वो है जिसने उन्हें इनको सच में आमिर खान बनाया आप यहाँ पे रह के भी बोल रहे कि इंडिया इज टॉलरेंट एंड ही इज अनसे आई मीन ही इज फीलिंग इनसिक्योर एंड उनको ये लगता है उनकी वाइफ को ये लगता है कि दे शुड लीव दिस कंट्री एंड गो समवेयर एल्स तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग भी बोलेंगे कि ठीक है तुम आई मीन गो इट्स ओके एंड तभी सब पूरी पब्लिक भड़की है एंड इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी ये तो वही बात हो गई ना कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में सेट कर रहे हो उनकी वाइफ का मानना है कि दे आर फीलिंग इनसिक्योर इन इंडिया इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मेरा कहना है कि आमिर खान ने बहुत बड़ी गलती करी है कह के क्योंकि वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है इंडिया के लिए और वो अगर ऐसा कहेंगे तो उनके फॉलोअर क्या करेंगे ये आप भी सोच सकते हैं अगर नरेंद्र मोदी ऐसा बोलते हैं कि मुझे इंडिया में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे डर लग रहा है मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे पूरा देश एक अनाथ की तरह जिएगा तो आप सोच सकते हैं मतलब उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि नहीं उनको बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था और अभी जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने अवार्ड्स लौटाए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने मेरे हिसाब से उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही किस्मत वालों के अवार्ड्स मिलते हैं बहुत सारे लोगों के अवार्ड बहुत सारे लोग नॉमिनेट हुए होंगे जिसके बाद उनमें से एक को सेलेक्ट करके अवार्ड दिया गया होगा अगर सचिन तेंदुलकर को ये भारत रत्न दिया गया है और वो किसी भी कारण से परेशान होकर वो लौटा देते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा अपमान है उस अवार्ड का और कितना बड़ा अपमान है इस भारत देश का